लोगों को लगता है कि रनिंग करने के लिए बस उठो, जूते पहनो और दौड़ पड़ो। अक्सर लोग इसी तरह से रनिंग करते हैं और कुछ समय के बाद उनके लिए तकलीफ पैदा होने लग जाती है। इसकी वजह रनिंग करने के सही तरीके के बारे में जानकारी न होना होता है। दरअसल रनिंग करना एक साइंस है। जिस तरह क्रिकेट में टेक्निक अच्छी होने पर बल्लेबाज बिना दिक्कत के लंबी लंबी पारियां खेल सकता है, उसी तरह सही तरीके से की गई रनिंग की वजह से आप लंबा दौड़ सकते हैं, जिससे स्टैमिना भी बढ़ेगा। स्टैमिना जितना ज्यादा होगा उतनी ही देर तक दौड़ने के चांस रहेंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको रनिंग की टेक्निक और स्टैमिना बढ़ाने के बारे में बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं रनिंग करने का सही तरीका क्या है। नंबर फर्स्ट, सिर की पोजीशन। कुछ लोग होते हैं जो कि रनिंग करते हुए कभी नीचे देखते हैं, कभी ऊपर, तो कभी दाएं बाएं नजर घुमाते रहते हैं। ये रनिंग करने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। रनिंग करते समय हमारा सिर एकदम सामने की तरफ होना चाहिए। अगर सिर नीचे या ऊपर की तरफ झुका रहेगा तो गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। आप गर्दन को ऊपर नीचे करके इसे आजमा सकते हैं, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। भागते वक्त न तो ज्यादा आगे की तरफ झुके और ना ही पीछे की तरफ। कोशिश करिए कि आपका शरीर रनिंग के वक्त थोड़ा सा आगे की ओर झुका रहे। नंबर सेकेंड, हाथों की पोजिशन। रनिंग में हाथों की मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। हाथ अगर सही पोजिशन में रहे तो एक सही टेक्निक की वजह से आपकी स्पीड में काफी इजाफा हो सकता है। दौड़ते समय अपने हाथों को कंधे से 90 डिग्री के कोण यानी एंगल पर रखें। जब आप भाग रहे हो तो ध्यान दीजिए कि हाथ आगे पीछे जाते वक्त आपकी पसलियों और कोहनी के बीच में ज्यादा गैप ना बने। हाथों को ऐसी मूवमेंट में ना रखें कि दायां हाथ बाएं हाथ की तरफ जा रहा हो। भागते वक्त अपनी दोनों हथेलियां या मुट्ठी कुल्हे से ठोड़ी तक आती जाती रहे, इससे आपको मोमेंटम मिलेगा और स्पीड बढ़ेगी। नंबर थर्ड, पैरों की लैंडिंग। ये रनिंग करने का सबसे अहम पहलू माना जा सकता है। ज्यादातर लोगों का रनिंग को लेकर सवाल होता है कि पैर लैंड कराते वक्त पंजों के बल लैंडिंग होनी चाहिए या फिर हील के बल। अक्सर लोग रनिंग करते वक्त पहले हील को जमीन से छूते हैं और फिर उनके पंजे नीचे आते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। हील जमीन पर पहले छूने की वजह से शरीर का सारा भार टखनों के जरिए होता हुआ घुटनों तक आएगा। अगर हम लंबे समय तक इसी तरह से रनिंग करते रहे तो घुटनों में परेशानी आ सकती है। ऐसा ही पंजों की सबसे पहले लैंडिंग कराने पर हो सकता है। इसलिए आप ये कोशिश करिए कि आपका पैर एकदम सीधा जमीन पर लैंड हो। इसकी वजह से शरीर के सभी हिस्सों पर बराबर दबाव पड़ेगा और कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके साथ ही सीमेंटेड रोड पर दौड़ने से आपको परहेज करना चाहिए। अब बात आती है पानी पीने और सांस लेने की। दौड़ने से 5-10 मिनट पहले आप थोड़ा पानी अपने हिसाब से पी सकते हैं, लेकिन आपको दौड़ने से पहले ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं तो आपको दौड़ते समय पेट में दर्द हो सकता है। इसके साथ ही आप दिन भर भरपूर पानी पीजिए, क्योंकि दौड़ते समय शरीर में काफी सारा पानी पसीने के रूप में बह जाता है। रही बात सांस लेने की, तो कई लोग पूछते हैं कि क्या दौड़ते समय मुंह से सांस लेना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि दौड़ते समय कभी भी मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। दौड़ते समय आपको लंबी और गहरी सांस लेनी चाहिए, इससे आप जल्दी नहीं थकेंगे और आप लंबी दूरी तक तेज दौड़ पाएंगे और इससे आपका स्टैमिना भी बढ़ेगा। चलिए हम बात करते हैं रनिंग स्टैमिना बढ़ाने के बारे में। नंबर फर्स्ट, कंटिन्यूटी रखें। कोई भी चीज 2-4 दिनों तक करने से एकदम परफेक्ट नहीं हो जाती। किसी भी चीज में परफेक्शन हासिल करने के लिए उसे लंबे समय तक करना पड़ता है। यही बात रनिंग पर भी लागू होती है। अगर आप स्पीड स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं तो हफ्ते में कम से कम 5 दिन रनिंग जरूर करिए। इस वजह से शरीर की सभी मसल्स एक्टिव रहेगी। रोजाना रनिंग करने से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करिए, ताकि भागने से पहले शरीर की सोई हुई मांसपेशियां पूरी तरह से खुल जाए। नंबर सेकेंड, हर दिन कुछ एक्स्ट्रा दौड़िए। मान लीजिए कि आप आज से ही रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले करीब हफ्ते 10 दिन आप नॉर्मल दूरी को तय करिए, लेकिन जैसे जैसे आपका शरीर खुलता जाएगा रोजाना रनिंग में थोड़ा समय आप बढ़ाते जाइए। अगर आप शुरुआत में 10 मिनट रनिंग करते हैं तो आप कोशिश करिए कि हर दिन के साथ 1-2 मिनट का इजाफा करते रहिए। इससे यकीनन आपका स्टैमिना बढ़ेगा। नंबर थर्ड, पैदल चले। वॉक करने से भी स्टैमिना बढ़ाया जा सकता है। आपने लोगों को पार्कों में घूमते और टहलते देखा होगा।
ज्यादातर लोग एक ही रफ्तार से चलते रहते हैं, लेकिन इससे शरीर को ज्यादा फायदा नहीं होता है। अगर शरीर पर इफेक्ट और स्टेमिना बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो हर चक्कर के साथ आप स्पीड को बढ़ाइए। मान लीजिए कि जिस पार्क में आप जा रहे हैं उसका एक राउंड आप 4 मिनट में पूरा करते हैं, तो अगले राउंड में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वही चक्कर आप 3 मिनट 55 सेकंड में पूरा करें। फिर अगले चक्कर में कुछ और सेकंड कम करिए। अगर आप रोजाना यही तरीका अपनाएंगे तो आपका स्टेमिना जरूर बढ़ेगा। नंबर 4, आराम और खाना। हफ्ते के 7 दिन रनिंग करना ठीक नहीं होता। शरीर को रिकवर होने के लिए समय देना चाहिए। 5 दिन भी रनिंग करना शरीर के लिए अच्छा रहेगा। रनिंग करते हुए आपके पूरे शरीर का वर्कआउट होता है और मसल्स को रिकवर करने के लिए अच्छे हेल्दी खाने की जरूरत भी होती है। इसलिए आप पौष्टिक खाना खाइए ताकि इससे आपके शरीर को फायदा पहुंचे। नंबर 5, अपनी लिमिट को पुश करिए। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक मनचाहा रिजल्ट आप हासिल नहीं कर सकेंगे। नॉर्मल रनिंग के बाद कुछ 1000 मीटर के लिए तेज भागिए और जब तक भागिए जब तक कि सांस ऊपर न चढ़ जाए। खुद को आप जितना पुश करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इसके अलावा आपको संयम बना के रखना होगा। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि रनिंग करने का सही तरीका क्या है और आप अपना रनिंग स्टेमिना कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।